डॉक्टर भारती बहन 348 माननीय अध्यक्ष महोदय उत्तर सभा पटल पे रखा है। माननीय सदस्य थैंक यू सर, इसमें कोई संदेह नहीं है कि 2014 के बाद जब मोदी गवर्नमेंट आई उनके बाद हमारे संचार विभाग में और पूरे बीएसएनएल में इतना सुधार हुआ है। मैं पहले 55 साल की बात कर रही हूँ, पहले 55 साल में जो नहीं हो पाया वो पिछले 5 साल में हो गया है, आपको भी स्वीकार करना पड़ेगा ये 5 साल में जो हुआ है। लेकिन हम अब आगे बढ़ रहे हैं, आपने 55 साल में कुछ नहीं किया है ये तो स्वीकार करो, 5 साल में क्या हो गया है। लेकिन सर मैं अभी सिर्फ मेरे क्षेत्र की बात करूंगी, विकासशील देश है, विकसित देश है जो 5G लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन हमारा बीएसएनएल और खास करके मेरे क्षेत्र भावनगर में जो 189 और बोटाद में 37 जो मोबाइल टावर है उनको 4G में कब तक अपग्रेड करेंगे, और गवर्नमेंट का जो रिवाइवल प्लान है वो कब तक पूरा करने की सोच है ये प्लीज मुझे बताइए, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है केबल नहीं मिल रहे हैं वो सारी बात के वजह से हमारे बहुत सारे एक्सचेंज है वो आधे के बंद हो रहे हैं, तो ये कब तक पूरा करेंगे रिवाइवल प्लान ये मुझे बताने की कृपा करें। थैंक यू सर। अध्यक्ष महोदय, सदस्य ने जो सवाल पूछा 2G 3G और बहुत सारी जगह 4G के भी BTS लगे हुए हैं, उनके क्षेत्र में जो BTS लगे उसका डिटेल दिया, कितने लगे और अगले प्लान में कितने लगेंगे उसकी जानकारी भी इसमें दी हुई है, और सदस्य महोदया अगर अलग से कुछ चाहती होंगी तो उसकी भी जानकारी देंगे, और रिवाइवल का जो प्लान है सभी सदस्य जानते हैं कि सरकार पूरा प्रयास बीएसएनएल एमटीएनएल के रिवाइवल के लिए कर रही, और जल्दी उसके नतीजे दिखेंगे।